अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका होस्ट अयाज खान, गेमरस्केप टेक BHA फेज 6 लाहौर से। व्यूअर्स, लास्ट वीडियो में हमने आपको आर्कड स्टिक के बारे में गाइड किया था, जिस पे हमने आपको टेकन 7 गेम को ऑपरेट करके चेक करवाया था। व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम आपको ये गाइड करेंगे कि एक आर्कड स्टिक आपने ऑलरेडी इसके साथ अटैच की हुई है, आप सेकेंड आर्कड स्टिक भी लगा के आपस में ड्यूल प्लेयर आर्कड स्टिक के ऊपर आप गेम खेल सकते हैं। तो व्यूअर, दूसरे के लिए हमारे पास डोबे कंपनी की आर्कड स्टिक शॉप में अवेलेबल है। अभी हम इसको ओपन करेंगे। ये इसमें USB केबल होती है और ये हमारी आर्कड स्टिक है। व्यूअर्स, ये इससे थोड़ी सी डिफरेंट है। इसका ये हम कवर यहाँ से ओपन करेंगे। यहाँ पर इसकी कंपनी ने इसकी वायर को पूरा अंदर रखा होता है और ये इसका एनालॉग है। पहले हम इसके ऊपर एनालॉग को लगा के जॉयस्टिक को इस पे हम इसको हैंडल को आपके फिक्स करेंगे। फिक्स करने के बाद ये वायर को हम यहां से इसको इजीली बाहर निकालते हैं और व्यूअर, इसके साथ एक की भी उन्होंने दी होती है। ये व्यूअर्स, इसके साथ एक की है और जॉयस्टिक को भी हम खोलते हैं। इसके साथ उन्होंने ये इसका कवर दिया है। ये कवर हम इस पर रख के इसको जॉयस्टिक को इजीली हम टाइट कर सकते हैं। इसको टाइट करने के लिए मज़ीद अब हम इस कवर को पुल करेंगे और ये की को इसमें लगाकर यहाँ पर हम इसको फुल टाइट कर देंगे ताकि गेम खेलते हुए ये रिमूव ना हो। अब व्यूअर्स, एज इट इज़ इसकी वायर के लिए ये स्लॉट है, हम इसको यहाँ से वायर को बाहर निकाल लिया और इसको बंद कर दिया। उसके बाद व्यूअर्स, हम इसकी लॉक वायर ओपन करते हैं। ये व्यूअर्स, इसकी वायर को हमने सिंपली अब प्लेस्टेशन 4 के साथ हमने अटैच कर दिया। उसके बाद व्यूअर्स, इसमें ये साइड पर USB स्लॉट है जहाँ पर हम इसका सेकेंड कंट्रोलर जो कमांड के लिए है वो अटैच करेंगे। इसको भी आप एज इट इज़ प्लेस्टेशन 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC सब पे यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आप जिस कंसोल पे लगाएंगे उसका कंट्रोलर साथ अटैच करना ज़रूरी है। उसके बाद PS बटन प्रेस करेंगे, वो अब हमें कह रहा है User 1 लॉगिन है और User 2 के ऊपर हम इसको A एंटर कर देते हैं। अब हमारा टेकन दोनों कंट्रोलर से ऑपरेट होगी। दूसरे कंट्रोलर का भी हम अटैच करते हैं और ये User 1 पे लॉगिन है। ठीक है जी, अब हमारे दोनों कंट्रोलर इसके साथ अटैच होंगे। अब व्यूअर्स, PC पे तो ये ऑलमोस्ट डायरेक्ट ही चल जाता है, इस पर किसी चीज़ की कमांड रिक्वायर्ड नहीं होती। अब हमने इसके लिए स्टार्ट करना शुरू किया। ये व्यूअर्स, अब हम ऑफलाइन मोड पे जाएंगे और इसके बाद वर्सेस बैटल पे हम इसको एंटर करेंगे ड्यूल प्ले के लिए। दोनों आर्केड स्टिक इस वक्त प्लेस्टेशन 4 के साथ अटैच है और अब वो आपको कह रहा है प्रेस ऑप्शन बटन। ऑप्शन बटन आपने प्रेस किया और एज इट इज जहां पर भी है जी ऑप्शन बटन। ठीक है जी, अब दोनों प्लेयर्स सेलेक्ट करेंगे, आप भी सिलेक्ट करें। हाँ जी, प्लेयर लें आप। ये एंटर करें, अब मुझे भी आप सेलेक्ट कर लेने दें। ये व्यूअर्स, अब हम इस पे ड्यूल प्लेयर जोन से गेम ऑपरेट कर रहे हैं। इस वक्त भाई फुल जुनून में आए हुए हैं और वो सांस भी नहीं ले रहे इस वक्त और वो टोटली बीट करते जा रहे हैं। ये व्यूअर्स, हमारा सेकंड राउंड स्टार्ट हुआ।
ये व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। हमेशा की तरह अपना ख्याल रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और कमेंट्स में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। और आज आपने देख लिया कि दो आर्केड स्टिक को हम इजीली प्लेस्टेशन 4 पे अटैच करके जो आर्केड गेम्स हैं वो इजीली प्ले कर सकते हैं। हमेशा की तरह अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।